दोस्तों अगर आप भी विराट, रोहित और धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों शतक जड़ते ही भावुक हो गए विराट कोहली, लेकिन शतक एक बार फिर से पाकिस्तान के खिलाफ जब लगा तब विराट कोहली के जज्बात उनके शब्दों से झलकने लगे। और आखिरकार दोस्तों विराट ने जाते जाते रोहित से लेकर धोनी को याद कर कुछ ऐसा कह दिया कि शायद सबका दिल फिर से जीत लिया है। वेल दोस्तों विराट कोहली ने क्या कहा उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट और बाबर में से इस सदी का सबसे बेहतर बल्लेबाज कौन है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों शतक जड़कर विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झंडा गाड़ा है जिसकी लंबाई नापनी पाकिस्तान के बस की तो बिल्कुल भी नहीं है। आपको बताएं दोस्तों कि विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं पूरी दुनिया में जिनके पाकिस्तान के अगेंस्ट मल्टी नेशन टूर्नामेंट्स में सबसे ज्यादा शतक हैं। आज विराट कोहली ने वाकई में इतिहास रचा। जब जरूरत पड़ी कोहली की तो दहाड़ पड़े विराट कोहली। 50 गेंदों के अंदर उन्होंने अपना 50 पूरा किया और उसके बाद तो अपनी बल्लेबाजी को फिफ्थ गियर में डालकर इस तरीके से राइड किया सभी गेंदबाजों को कि देखकर किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि किंग कोहली मैदान में प्रैक्टिस कर रहे हैं या एक्चुअल मैच खेल रहे हैं। ये वही पाकिस्तान के गेंदबाज थे दोस्तों जिनके नाम की तूती पूरी दुनिया में बोलती है, शाहीन शाह अफरीदी, हैरिस रौफ, नसीम शाह। आज हर एक गेंदबाज ऑलमोस्ट 70 रन देकर गया है और ये सब कुछ मुमकिन हो पाया तो केएल राहुल की 111 और कोहली की 122 रन की पारी के चलते। लेकिन दोस्तों जो विराट कोहली का शतक था वो अपने आप में बहुत खास है। 84 गेंदों के अंदर विराट ने ये शतक जड़ा। ये उनके वनडे करियर का 47वां शतक भी है और विराट वनडे के अंदर सबसे ज्यादा तेज तर्रार 13,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इतना ही नहीं सबसे तेज तर्रार 47 शतक वनडे में भी जड़ने वाले विराट कोहली खिलाड़ी बन चुके हैं पूरी दुनिया में। इतने रिकॉर्ड वो भी पाकिस्तान के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं विराट की तारीफ तो होनी ही है। लेकिन दोस्तों विराट ने किसकी तारीफ करी वो सुनकर शायद आप भी दंग रह जाएंगे, भावुक हो जाएंगे। आपको बता दें इतने खास लम्हे पर भी, शतक जड़ने के बाद भी विराट ने केएल राहुल से लेकर रोहित शर्मा यहां तक कि धोनी को याद कर कुछ ऐसा कहा कि सबका दिल जीत ले गए। क्या बोले विराट कोहली चलिए आपको उनका बयान दिखाते हैं। दोस्तों विराट ने शतक जड़ने के बाद मैदान में कहा, ये लम्हा वाकई में बहुत ज्यादा खास है। हम इस मुकाबले को खेलने के लिए, अपनी टीम को टेस्ट करने के लिए बुरी तरीके से तरस रहे थे और आज जिस तरीके से मेरे सहयोगी केएल राहुल ने प्रदर्शन करके दिखाया, ऐसे ही बल्लेबाज, ऐसी ही पार्टनरशिप्स आपको चाहिए होती हैं। इतनी बड़ी टीम इतने प्रेशर वाले मुकाबले में, आप जानते हैं आप रन बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर आपके साथ रन बनाए वो भी लगातार रन, चौके छक्के चढ़कर, तो जाहिर सी बात है शतक तक पहुंचना नामुमकिन नहीं होता पाकिस्तान जैसी टीम के अगेंस्ट भी। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान के पास मेरे नजरिए में दुनिया की सबसे बेस्ट बॉलिंग यूनिट है इस वक्त पर, लेकिन जब बल्लेबाजी में ऐसा साथ मिले तो कहीं ना कहीं शतक भी बन जाते हैं और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। हर बार की तरह बस मैंने देश के लिए अच्छा करना चाहा, लेकिन इस शतक से बढ़कर मेरे लिए भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत है जो कि रोहित शर्मा ने बहुत अच्छी कराई थी और उसी के चलते हमें मोमेंटम मिल पाया। मैं कप्तान रोहित शर्मा को भी धन्यवाद करना चाहूंगा क्योंकि रोहित एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो वक्त वक्त पर खिलाड़ियों का ध्यान रखते हैं, वो चाहे अनुभवी हो चाहे नहीं हो। रोहित शर्मा में वो काबिलियत है कप्तान की जो शायद हमें वर्ल्ड कप भी जिताएगी। और वहीं साथ ही साथ मैं केएल राहुल की भी तारीफ करना चाहता हूं। अगर ऐसे खिलाड़ी साथ में ना हो तो शतक नहीं बन सकते और धोनी भाई को कैसे भूल सकते हैं। ये शतक के गुण पाकिस्तान के खिलाफ लगाने तो मैंने उनसे ही सीखा है। उम्मीद है अपने फैंस के लिए ऐसे ही प्रदर्शन करता रहा। दोस्तों भारत की जीत का सबसे बड़ा कारण विराट कोहली है। दोस्तों भारत और पाकिस्तान की टीम के बीच का मुकाबला भारत की खतरनाक जीत के साथ समाप्त हो चुका है। आपको बता दें कि पहले तो बल्लेबाजी में, उसके बाद गेंदबाजी में भारतीय क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान के टुकड़े करके रख दिए। शुरुआत दोस्तों बल्लेबाजी से करते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले ही हम 147 रन तो बना ही चुके थे और आज जब मौका मिला तो दोस्तों मौके पर चौका मारा, एक्चुअली मौके पर शतक मारा विराट कोहली और केएल राहुल ने। आपको बता दें दोस्तों कि ये दो खिलाड़ी मैदान में आए और फिर मैदान से बाहर ही नहीं गए क्योंकि पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बस की ही नहीं था पूरे 25 ओवर तक इन्हें आउट भी कर पाना। दोस्तों विराट कोहली ने जहां पहले अपनी 50 गेंदों के आसपास पूरी की तो केएल राहुल भी कुछ ऐसे ही आंकड़ों के साथ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन फिर आगे चलकर विराट कोहली ने बस 84 गेंदों के अंदर अपना शतक पूरा कर लिया। और दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें कि किंग कोहली साहब तो इस मुकाबले में पूरे 122 रन नाबाद लगाकर गए, तो वहीं केएल राहुल भी 111 रन की नाबाद पारी खेलकर गए थे जिसके चलते ओवरऑल स्कोर 356 बन गया। जीतने के लिए हमने पाकिस्तान के आगे 357 की दावेदारी रखी। अब देखिए दोस्तों लक्ष्य तो बड़ा था लेकिन पाकिस्तान की बल्लेबाजी भी तो जबरदस्त है, इस हिसाब से उन्हें बल्लेबाजी में काफी मदद मिलती। लेकिन आज मैदान में
हमारे खिलाड़ियों ने पाकिस्तान का ऐसा हाल कर दिया कि गेंदबाजी में तो वो पिट कर आए ही थे, वो बल्लेबाजी में भी हमें विकेट देकर गए, वो भी ऐसे विकेट जो गली क्रिकेट में लिए जाते हैं। 200 विकेट गिरने का सिलसिला इमाम उलग से शुरू हुआ। ये सलामी जोड़ी का बैट्समैन बुमराह का शिकार बना। आपको बता दें कि बुमराह ने इनका विकेट 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल के हाथों कैच आउट करा कर लिया था। इसके बाद नंबर आया बाबर आजम का। पांड्या के हाथों बाबर 2 रन पर क्लीन बोल्ड हो जाते हैं और फिर बारी आती है रिजवान की, जो शार्दुल ठाकुर की गेंद पर राहुल को कैच समाते हैं। दोस्तों ये थे शुरुआती दौर के विकेट, लेकिन इसके बाद केवल एक खिलाड़ी का जलवा मैदान में चला। ये खिलाड़ी और कोई नहीं बल्कि भारत के चाइनामैन, सबसे सॉलिड कमबैक करने वाले स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव हैं। दोस्तों आपको बता दें कि कुलदीप यादव ने एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 5-5 विकेट लेकर 5 विकेट हॉल दर्ज किया और भारत की वनडे में सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज कराने में सबसे महत्वपूर्ण गेंदबाजी करी है। कुलदीप के विकेट लेने की शुरुआत फकर जमान से हुई। पारी के 20वें ओवर की दूसरी गेंद पर दोस्तों फकर को 27 रन पर बोल्ड करने के बाद कुलदीप ने पहला विकेट अपने नाम किया और इसके बाद तो बस विकेट्स की झड़ी ही लग गई। आगा सलमान को 23 रन पर कुलदीप ने LBW किया। इसके बाद शादाब खान को भी कुलदीप यादव ने ठाकुर के हाथों 6 रन पर कैच आउट करा दिया। इफ्तिकार अहमद कुलदीप की गेंद पर कॉटन बोल्ड हो गए 23 रन पर। वहीं फहीम अशरफ नाम के खिलाड़ी को कुलदीप ने 4 रन पर क्लीन बोल्ड कर दिया, जिसके बाद पाकिस्तान की टीम ने घुटने टेक दी और नसीम शाह हैरिस रॉफ को एब्स हर्ट करार देते हुए मुकाबले में हार मान ली। दोस्तों भारतीय टीम 228 रन से जीत गई, लेकिन इस जीत में बल्लेबाजी के अलावा जिस खिलाड़ी ने दिल जीता है, दिलों पर राज किया है, वो कुलदीप यादव हैं और धोनी के इस चेले ने रिकॉर्ड भी बनाया। रिकॉर्ड दोस्तों ये है कि एशिया कप में वनडे फॉर्मेट में आज तक कोई भी स्पिनर गेंदबाज, और खास तौर पर अगर स्पिन गेंदबाजी में अगर हम लेफ्ट आर्म स्पिनर की बात करें, तो किसी ने भी 5 विकेट हॉल तो एशिया कप में लिया ही नहीं है। और साथ ही साथ कुलदीप यादव ने ये 5 विकेट हॉल उस मैच में लिया है जिसमें भारत की सबसे बड़े अंतर से जीत दर्ज हुई है। ये अपने आप में रिकॉर्ड नहीं तो और क्या है। दोस्तों आज का दिन इतिहास में याद रखा जाएगा, क्योंकि आज से पहले ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि इंडिया पाकिस्तान मुकाबले को देखने के लिए रिजर्व डे का आयोजन कराया जाए। खैर आपको बता दें कि इस मुकाबले की कहानी बड़ी दिलचस्प है। मुकाबला तो 10 तारीख को शुरू होना था और शुरू हो भी गया। रोहित और गिल ने ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस भी दी और इससे पहले कि KL राहुल विराट कोहली रौद्र रूप में पाकिस्तान की कमर तोड़ते, बारिश ने पाकिस्तान का साथ दे दिया, मुकाबला रिजर्व डे पर पोस्टपोन हो गया। लेकिन आज जैसे ही मैच शुरू होता है वैसे ही तुड़ाई होती है दोस्तों विराट कोहली और KL राहुल द्वारा पाकिस्तान के उस हर एक नामी गिनामी गेंदबाज की, जिसका जलवा पूरी दुनिया में है, चाहे वो शाहीन शाह अफरीदी हो, हैरिस रॉफ हो या फिर नसीम शाह क्यों ना हो। हर कोई दोस्तों विराट कोहली और KL राहुल के हत्थे चढ़ गया। नतीजा ये रहा कि KL राहुल 111 तो वहीं कोहली साहब तो 90 गेंदों में 122 रन की नाबाद पारी खेल गए और 357 का पहाड़ जैसा टारगेट देकर गए पाकिस्तान की टीम को। असल मजा हमारी बल्लेबाजी में था, लेकिन अभी गेंदबाजी में तो पाकिस्तान का मुंह काला करना बाकी था। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान के अर्ली विकेट्स मिलने में हमें ज्यादा वक्त नहीं लगा। पारी के 5वें ओवर में बुमराह ने इमाम उलग को आउट कर दिया था, लेकिन पाकिस्तान की सबसे बड़ी मछली, सबसे बड़ा प्लेयर तो बाबर आजम है। 24 गेंदे खेलकर बाबर ने वैसे ही 2 चौके लगाकर 10 रन बनाए थे, प्रेशर में लग रहे थे और मैदान में हार्दिक पांड्या ने आकर कुछ ऐसा कर दिया रोहित के साथ मिलकर कि हर कोई देखता देखता ही रह गया। पूरा वाक्य 200 पारी के 11वें ओवर का है। वैसे ये पांड्या का पहला ओवर भी था इस मुकाबले का। अब तक जसप्रीत बुमराह और सिराज से 5-5 ओवर कराने के बाद रोहित ने चाणक्य नीति को अपनाया। अब एक ऐसे ऑलराउंडर को बुला लिया था जिसकी गेंदबाजी को समझना ज्यादा बल्लेबाजों के बस की नहीं। हार्दिक पांड्या बाबर आजम को फांसने के लिए गेंदबाजी से प्रयास कर रहे थे और रोहित शर्मा ये भाप लेते हैं, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा अचानक से पांड्या को रफ्तार धीमी करने का इशारा करते हैं और बोलते हैं कि 130 या उसके पास डाली। और आप गौर फरमाइएगा स्कोर कार्ड पर कि 130 से 133 के बीच में पांड्या की गेंदें जाती हैं, जिनकी रफ्तार वाकई में बहुत कम थी। और अब क्योंकि बारिश से हो चुकी गीली पिच गेंदबाजों का ही साथ दे रही थी, तो धीमी गेंद पर इतना बेहतरीन टर्न मिला पांड्या को कि दोस्तों गेंद जो कि 11वें ओवर की 4थी गेंद बनी, वो सीधा लगी जाके विकेट के अंदर और बाबर आजम के आगे। ये जो इनस्विंगर गेंद आई थी, इसे खेलना तो दूर की बात, इसे ढंग से देख नहीं पाए बाबर आजम। जरा सोचिए दोस्तों 133 की रफ्तार भरी गेंद बाबर का विकेट उड़ा ले गई और भारत को मिल गया सबसे बड़ा विकेट। लेकिन इस विकेट के पीछे मेहनत रोहित शर्मा की भी है, उनकी चालाकी की भी है और पांड्या की गेंदबाजी तो अद्भुत थी ही। दोस्तों जहां बाबर 10 रन पर आउट हुए उसके बाद तो बिखरना पाकिस्तान का तय था, क्योंकि अब जीतने के लिए 313 रन चाहिए थे और ओवर महज 35 से 40 के बीच में बचे थे। यहीं पे भारत की जीत घोषित होती है।
वैसे दोस्तों आप सभी रोहित की कप्तानी और पांड्या की गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।